हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, आमर सबुठो बड़ समस्या हेउछि क्रोध। एथि पई श्रीमद् भागवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण क्रोध रु बंचिबा पई उपाय बताई छंती। क्रोध को नरकर द्वार कुहा जाय। गीता रे कुहा जायतिबा क्रोध रो उपाय आज मु आपनको कहिबी। फ्रेंड्स, सर्वप्रथमे मु आपनको कहिबी कि राग केवल इमोशन भावना व्यक्त करिवार गोटे रास्ता। जदि आपणकर मध्य एही समस्या अछि ताहले आपण एथिरु बंचि पारिबे, आपण एहाकु जीति पारिबे मध्य। असलरे क्रोध आपणक हातरे, आपण क्रोध हातरे नाहंती। क्रोध कोण एहाकु बुझिबा पई मु आपणकु गोटे स्टोरी सुनाउछि। जणे संत गोटे सुंदर समुद्र पाखरे पहुँचिले। संतर मन हेला कि से समुद्र रे बसी ध्यान करिवे। से गोटे नौका साहाजरे समुद्र मझिरे पहुँचिले। से नौका को चलेबा छाड़ी देले एवं नौकार मझिरे बसी समुद्र मझिरे ध्यान लगाइले। समुद्र मझिरे बसी संत को ध्यान लगेबा बहुत आनंद देउथिला। से प्रभुंक ध्यान रे लीन थिले। हठात पछरु गोटे नौका तांको धक्का मारिबारे लागिला। थरे मारिला, आउ थरे मारिला, एमिती बार बार धक्का मारिबारु संत बहुत रागी जाई पछक बुली देखिले कि एहा तो खाली नौका जहा कि कोनसी प्रकारे खोली जाई पवन रे निजे निजे चली आसी। एबे संत को ज्ञान हेला कि क्रोध तो तंको निज भीतर ही, तंकु तो केवल एक चिंगारी रो आवश्यकता अछि। फ्रेंड्स, आम समस्त को यह मानिबा को हेबो कि क्रोध आम भीतर ही अछि। एथिपाई आमे ही दायी, अन्य केही भी नुहे। आपण को केही क्रोध दियंती नाही जदि आपण क्रोध न करिबा पई निष्पत्ति नियंती। चालंतु जानिबा अन्य स्टोरी टी विषय रे। गोटे बहुत बड़ दुकान वाला थिला पूरा गाँव रे। से बहुत बदनामी थिला। लोके कहते कि से लोकों को कथार फसे पैसा लुटि ने जन को यह विषय जना पड़ा। से जानिबा पई से दुकान को गला। से ही दुकानी ठारु किसी सामान नेला। से जेते बेले जानी पारिला दुकानी ताकु कहिला कि मु तुमपाई गोटे शर्त रखुचि, जदि तुम्हें जीति जाओ तो यही माल मु तुमको फ्री रे देबी, जदि मु जीति जाए तो तुम्हें मते एहार दुई गुणा टंका देव। दुकानी कहिला मु तुमको सुनाउछि, तुम्हें मते विश्वास करुछ आउ एहा कहिब कि एहा किपरि संभव तो जीत तुमर। जदि तुम्हें कहिब कि एहा संभव नुहे तो मु जीति जीवी। यह सुनिबा को तो खुशी लागुची। से व्यक्ति जनक सर्तरे राजी होइगला। दुकानी कहिला काली रातिरे मु छेड़ी को बांधी थिली। सकाळ उठी देखिली छेड़ी टी आहुरी केते गुड़िए छेड़ी को जन्म देछे। आपण मते बे कहंतु यह किपरि संभव अटे। सर्त मुताबक जदि व्यक्ति जनक यह संभव नुहे बोली कहिब तो सर्त हारिजिब। जदि कहिब यह संभव तो ताकु कहिबा को पड़िबो एहा किपरि संभव। व्यक्ति जनक कहिले एहा तो संभव। देखंतु आपण छेली को रातिरे बांधिले, सकाळु आपणक छोडा एहा केही भी देखी नाहंती। पूरा गां जानिछि कि आपण मिछ कहंती। एहा सुनी दुकानी हसी कि शर्त मुताबक व्यक्ति जनक सामान देई देले एवं पैसा मध्य फेराई देले। पैसा पाइबा परे व्यक्ति जनक ओलटा दुकानी जनक कहिले एबे मु आपण को कहिबी आपण एहाकु विश्वास करिबे आ कहिबे एहा किपरि संभव, तो मु आपण को एही पैसा एही सामान दुईटी जा फेराई देबी। जदि आपण कहंतु कि एहा संभव ही नुहे तो आपण को मते एहार दुई गुणा पैसा फेरेबा को पड़िबो। दुकानी जनक हाँ कहिले। व्यक्ति जनक कहिले एही गाँव रे गोटे खेत अछि, सेठारे बहुत सारा साप अछन्ति। से साप माने पवन रे उठी आकाश रे उड़ुथिबा चिलो को मारी दियंती। दुकानी जनक कहिले एहा तो पूरा संभव, आपण मिछ कोन पई कहबे। व्यक्ति जनक आग को कहिले काली जेबे मु खेत को जाईथिली सेठारे मु एक 500 किलो रो तरबूज देखिली। ताकु काटिबा को गली आउ जेबे काटिली तो सेथिरु गोटे प्रजापति बाहरिला। तार मुहरे गोटे कागज पड़ीथिला, सेथिरे लेखा जाईथिला कि एही दुकानी धनी बनिबा पई गाँ लोकों पैसा लुटि नेउछि। एहा सुनी दुकानी रागरे जड़ी गला एवं ताकु कहिला सबु मिछ, एहा भी केबे कोन हेउछि।
एथर दोकानी सर्त हारीगला। फ्रेंड्स सत तो यह कि जदि आम आम ना ताली बाजिले खुशी लगे आ गाड़ी रे राग आसी जाए। गाड़ी अर्थ कठिन प्रस्तुति। यही शिक्षा आमको श्रीकृष्ण भगवत गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 38 सुख दुख दुईटी को समान भाव देख। असल रे क्रोध करुवा व्यक्तिर हृदय केवे बहुत भल होता है। बास निजर क्रोध जहाँ इमोशन ताऊपर नियंत्रण रहे ना किए प्रशंसा करदिए तो आम खुशी हो जाती। जदि कहीं खराब कहीदे तो चिड़ी जाती। शिक्षार दुईटी रास्ता समानता बनई रखापी यह जरूरी। एथिपाई प्रथम शिक्षा सुख दुख दुईटी को समान भाव देखा उचित। एवं आसतु अन्नटी जानवा। थे जड़े धनवान व्यक्ति थिले। से थे जड़े आचार्य पाखक गले कहले मोर शरीर बहुत खराब चली सब दुखी रोची जहाँ खाइले भी हजम होना पेटरे कष्ट निद आसुना कि बुझीपी मु कौन करी यही बेमार मोर स्त्री तो एक नंबर काम चोर मोर चाकर चोर ठीक समय किसी कम करूना मोर भाई मत बुझीपना जहाँ तार हृदय को आसे से ही कै बास मु सबु मूर्ख लोक मझे घेरी रही एथिपाई मते सबु समय रे क्रोध आसुचे किछु उपाय बतांतु। ज्योतिष आचार्य कहिले आपण आपणकर जातक देखंतु। जातक देखि ज्योतिष निजर हात मुंडरे रखि कहिले क्षमा करंतु मु आपणक पई किछि करि परिबि नाही। से व्यक्ति जनक कहिले महाराज आपण किछि त कहंतु मु जानिबाकु चाहुछि। बहुत कहिबा परे ज्योतिष कहिले तुमर पाखरे केवल 10 दिन अछि यहपर तुम जीवन अंत घटिबो। एहा सुनी से धनी व्यक्तिर पाद तलु माटी खसीगला। से ज्योतिष को हाथ जोड़ी उपाय कहिबाकु कहिले। ज्योतिष कहिले कि कथा कहउछंती कोन मृत्यु को भी केबे रोका जाय पारिबो। एहा सुनी के से व्यक्ति ज्योतिष आचार्य पाद को हाथ में लगे आशीर्वाद नहीं चली गले। ठीक 9 दिन पर से व्यक्ति पुणी ज्योतिष आचार्य पाख को आसला आ कहला आचार्य काली मो जीवन रे शेष दिन से दिन मु आपण को दक्षिणा न दे चली जाइली। आचार्य कहले आपण कहतु यही 9 दिन रे तुम पत्नी तुम प्रति किपर व्यवहार थिला। से ही धनवान व्यक्ति कहले मो स्त्री मते बहुत प्रेम करुछि मु ही से सबको देखि पारु नथिली। पुणी आचार्य पचारे तुमर चाकर तो से कहले से भी ठीक मो भाई भी मते बहुत प्रेम करुछि। तो आचार्य कहले तुमर रोग ए सब क्रोधर कारण ही उत्पन्न होता मुझिना तुमर मृत्यु केव मु तो बास तुमको यह मन पकईदेपी जाए जे मृत्यु निश्चित जेबे तुमको यह जना पड़ा कि तुम पाखे केवल 10 दिन तो तुम्हें झगड़ा किंवा क्रोध करिवारे समय नष्ट कलना मन रख जीवन मृत्यु केवे भी आसीपे क्यों दिन भी आमर शेष दिन हो। फ्रेंड्स जदि आम भी कथा को मन रखा तो क्रोध केबे भी करिबा नाही। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 37 रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जार जन्म हेउछि तार मृत्यु भी निश्चित। हाँ बस खाली गोटे छोट कथा आमे भूली जाउछंती आमे समस्ते क्रोधर क्षति जानिछंती। जदि कौनसी व्यक्तिर क्रोध करिबार अभ्यास ताकू अतीत को नहीं क्रोध कले किछि क्षति होइथाय आपण गोटे लिस्ट बनंतु से सबु क्षति को लेखंतु जहाँ आपण क्रोध करिबारु होइथिला एवं ताकु सबु बेले पढ़ंतु जेपरी मु क्रोध करिके निजर मित्रर हृदय को दुख देछि सबु बेले एहाकु पढ़ंतु। एहा करिबा द्वारा एहा आपणकु आपणकर मन पर्यंत पहुँचेबाकु साहाज्य करिबो। श्रीमद् भगवत गीता 5 अध्याय श्लोक 15 रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती ज्ञान अज्ञान सहित धक्का होइछि ताकु देखि आमे मोहित हुअंती। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय श्लोक 63 रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जदि कौनसी व्यक्ति गोटे जिनिष विषय निरंतर भावे तो तार लोभ आसे लोभरु उत्पन्न हुए इच्छारु क्रोधर जन्म हुए। चलंतु उदाहरण स्वरूप बुझाऊ आपण जड़े छात्र आपण यह भावुंती कि आपण ही फास्ट आसबे किंतु आपण फास्ट आसीपारती ना तो आपणकर क्रोध उत्पन्न हुए आपणक टीचर किंबा सही व्यक्ति जे प्रथमे आसी छंती ताको उपरे राग आसे।
श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक 19 रे श्रीकृष्ण कहिछन्ति केबे भी फल उपरे आशा करंतु नाही एहा एथि पई कि आपण को फल पई लोभ होई जाय आपण तार मोहरे पड़ी जांती एवं फल न मिलिले आपण को क्रोध उत्पन्न हुए एथि पई श्रीकृष्ण भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 47 रे कहिछन्ति कर्म कर फल चिंता कर नाही कारण जेबे आमर चिंता फल रे थाए तो आमे कर्मरु विच्छित होई जांती फल को भगवान को उपरे छाड़ी दियो एहा करिबा द्वारा मध्य आपण को शांति मिलिबो। फ्रेंड्स एहा छोड़ा आमे जहा भोजन करंती तहार प्रभाव मध्य आम उपरे पड़े किछि प्रकार खाद्य अछि जहाकु भोजन कले मध्य तहार प्रभाव आम उपरे पड़ी थाए। आशा करूँ फ्रेंड्स आज वीडियो आपको पसंद आसीब जदि पसंद आसीब वीडियो को गोटे लाइक करेबे आने सहित सेयर भी करेबे आउ वास्तु टिप्स हेल्थ टिप्स वीडियोस देखापी आम ओडिया बो चैनल को सब्सक्राइब करेबे।